नमस्कार दोस्तों, घरेलू इलाज का इमाम जस्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक पर चलने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आसानी से पता चलता रहेगा। अगर आपने पहले से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है कि हस्तमैथुन करने का सही तरीका क्या है, जिससे लिंग को कोई नुकसान न हो और शरीर में किसी प्रकार की दुर्बलता न आए। हस्तमैथुन या मुठ कैसे मारे, आइए जाने सही तरीका क्या है। हस्तमैथुन 16 साल की उम्र से पहले नहीं करना चाहिए। अगर आप 16 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आप हस्तमैथुन कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हस्तमैथुन कैसे किया जाता है। हस्तमैथुन करने के लिए अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगली को एक साथ मिला लें, फिर लिंग की खाल को धीरे धीरे आगे पीछे करें, फिर स्पीड बढ़ा दें और फिर झड़ जाएं। याद रखें कि लिंग पर ज़्यादा कसाव न डालें, इससे लिंग को नुकसान हो सकता है। अगर आपने मुठ मारी है तो अगले 18 घंटे तक हस्तमैथुन ना करें। ऐसा करने से लिंग को नुकसान होगा और शारीरिक दुर्बलता भी आएगी। जैसा हम जिम में जाते हैं और वहाँ पर कसरत करने से हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, उसी प्रकार मुठ मारने से लिंग की कसरत होती है, तो जाहिर है उसमें मजबूती आएगी। लेकिन यह तभी संभव है जब मुठ बहुत ज़्यादा मात्रा में न मारी जाए। अगर आप सही तरीके से मुठ मारते हैं और मुठ मारने के बीच में गैप का ध्यान रखते हैं तो आपकी सेक्स पावर में कोई कमी नहीं आएगी। वैसे तो मुठ मारने से कोई कमज़ोरी नहीं आती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मुठ मारते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कमज़ोर और पतले हो जाओगे। फ्रेंड्स, हस्तमैथुन करने से शरीर की गर्मी बाहर निकलती है, लेकिन मुठ मारने के बीच में गैप देना बहुत आवश्यक है। मुठ मारते समय यह ध्यान रखें कि लिंग पर अधिक ज़्यादा दबाव ना डाला जाए। इसके लिए आप किसी चिकने पदार्थ को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके लिंग पर ज़्यादा दबाव न पड़े। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।